दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। जिस तरीके से कल अमीश देवगन जो न्यूज 18 चैनल के एक पत्रकार हैं उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज के लिए जो अनर्गल एक टिप्पणी करी है और बहुत ही अशोभनीय है वो, यहाँ पूरा भारतवर्ष ही नहीं पूरा विश्व जो कि गरीब नवाज की बारगाह के अंदर आता है और वो जाने जाते हैं अमन और सुकून के लिए। जिस तरीके से अमीश देवगन ने जो एक गंदा अल्फाज यूज़ करा है उसके लिए आज हम लोग कलेक्टर साहब को यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए आए हैं और उसके लिए महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम पे हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। और इस ज्ञापन में हम लोगों ने दिया है कि इस तरीके के जो एक हमारे जो पत्रकारिता है उसके ऊपर ये जो बदनुमा धाग लगाते हैं इस तरीके के लोग, इनके चैनल के ऊपर रोक लगानी चाहिए। और इन लोगों की जो भाषा है और अभी पिछले कुछ दिनों से जो इन्होंने एक हिंदू और एक मुसलमान का फसाद लेकर के ये लोग कुछ चैनल वाले कर रहे हैं, इनके ऊपर रोक लगानी चाहिए, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इनके ऊपर मुकदमा तो दर्ज करा दिया है, अब जब इन्होंने देखा कि चारों तरफ से फंस चुके हैं तो इन्होंने दोबारा रिट्वीट करके इन्होंने माफ़ी मांगी है, लेकिन ये माफ़ी मांगने से काम नहीं चलेगा, इन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं अजमेर यूथ कांग्रेस अध्यक्ष यासिर चिश्ती। कि पंचों में क्यों नहीं होती फिरका परस्ती, कभी मस्जिद पर बैठे, कभी मंदिर पर बैठे, कभी गिरजे पे बैठे, कभी गुरुद्वारे पे बैठे। जिस तरीके से अमीश देवगन जो न्यूज़ 18 के पत्रकार हैं उन्होंने ख्वाजा साहब जो अजमेर के एक बहुत बड़े प्रॉफिट हैं उनके बारे में या पूरे विश्व में वो फेमस हैं उनके पर जो अनर्गल टिप्पणी उन्होंने जो करी है उसकी हम कांग्रेस की तरफ से कड़ी मजम्मत करते हैं, भर्त्सना करते हैं। हालांकि उन्होंने माफ़ी मांग ली है मगर इस तरीके की टिप्पणियाँ अशोभनीय हैं और इसकी जितनी निंदा करी जाए वो कम है। चलने चलने।